हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव हाईवे। छोटी सी कहानी पर बड़ी सी है बात। में एक सांप था जिसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। खाने की तलाश में वो बगीचे में यहाँ से वहाँ घूम रहा था। भूख के मारे उसे बहुत क्रोध भी आने लगा। जब वो बगीचे में यहाँ वहाँ घूम रहा था तो उसने सामने एक दुकान देखी। दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर की ओर जा रहा था। उसने सोचा शायद इस दुकान में कुछ मिल जाए उसकी भूख मिटाने के लिए, और सांप खिड़की के रास्ते दुकान में चला जाता है। दुकान में यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, उसे कोई चीज़ ही नहीं मिलती है खाने के लिए। वो बहुत गुस्से में आ जाता है। काफ़ी समय बीत जाता है, उसका गुस्सा उसके सर से ऊपर जा चुका होता है। गुस्से की धुन में वो यहाँ वहाँ खाने की चीज़ें ढूंढने लगा। ऊपर नीचे उसे जहाँ भी समझ में आया वो सब जगह खाने के लिए खोजने लगा। अचानक उसका शरीर एक कुल्हाड़ी से जाकर कट गया, जिसकी वजह से वो और गुस्सा हो गया। उसके ऊपर तो पहले से ही गुस्से का भूत सवार था, क्योंकि उसे भूख लगी थी। और जैसे ही उसने देखा कि कुल्हाड़ी से उसके शरीर का हिस्सा थोड़ा सा कट गया है, उसे और गुस्सा आया और गुस्से में उसने उस कुल्हाड़ी को डस लिया। इस गुस्से में जब उस सांप ने कुल्हाड़ी को डसा तो उसकी तेज धार से उसके मुँह के हिस्से कट गए, जिसकी वजह से सांप वहीं मर गया। सुबह दुकानदार जब दुकान में आता है तो वो देखता है कि सर्प वहाँ मरा पड़ा होता है। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध मूर्खता से शुरू होती है और पछतावे पर ख़त्म होती है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं लगती, क्रोध आने पर शांति बनाए रखने के लिए ताकत लगती है। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है। क्रोध करने से हम सिर्फ अपना ही बुरा कर सकते हैं, जैसा कि इस कहानी में उस सांप ने किया। क्रोध में आकर उसने कुल्हाड़ी को डसा, जिससे उसकी मौत हो गई। तो वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। क्रोध अगर हमें आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी लड़े और झगड़े। क्रोध को हम शांत भी कर सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।